एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नागपुर और बुट्टीबोरी सेंटर द्वारा सम्मेलन का आयोजन आने वाली 7 अगस्त को किया जाएगा। इसकी जानकारी एसोसिएशन द्वारा कल प्रेस मीट के दौरान दी गई। 1941 से कार्यरत बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नागपुर में आने वाले 7 अगस्त को किया जा रहा है। इस संगठन की कुल 200 शाखाएं हैं। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के लगभग 300 प्रतिनिधि सहभाग लेंगे। इस सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। साथ ही दिन भर बिल्डरों की विविध समस्याओं पर चर्चा आयोजित की गई है। मीट द प्रेस का आयोजन किया गया है, क्या इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है उसके बारे में बताइए। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट करके अपने नागपुर को 20 साल बाद ये सम्मान मिल रहा है और मुझे पूरे नेशनल लेवल पे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट जोन करके मुझे चुना गया है। तो वो उसके प्रत्यर्थ और अपने यहाँ 20 साल के पहले मुंडले साहब करके नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं, उनका योगदान देखते हुए उनको अपने को जीवन गौरव पुरस्कार देना था। और ये जो वेस्ट जोन में बहुत सारे स्टेट्स आते हैं तो अंतर्राज्यीय स्टेट की अपने को एक कॉन्फ्रेंस लेना है। वो कॉन्फ्रेंस के लिए अपने ऑल ओवर इंडिया से वेस्ट जोन से लोग डेलीगेट्स आ रहे हैं। वो डेलीगेट्स करीब करीब 300 से प्लस होने वाले हैं। प्लस ये सब कॉन्फ्रेंस को और मीटिंग को नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है निमेश पटेल, वो निमेश पटेल आने वाले हैं जो कि अहमदाबाद से हैं। और उनकी अभी GST के बारे में या रेरा के बारे में या कंस्ट्रक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बहुत सारी उनको जानकारी है और वो अच्छे लेवल से नेशनल लेवल पे और यूनियन मिनिस्टर को मिलके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने का उनका बहुत मानस है और वो कर रहे हैं। तो उनका भी अपने ये नागपुर नगरी में पहली बार आ रहे हैं और ये सब कॉन्फ्रेंस को नितिन गडकरी साहब आंध्रवर यूनियन मिनिस्टर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा काम है, उनका भी अपने को सत्कार करना है। उनको भी अपने नागपुर के तरफ से, नागपुर वालों के तरफ से और हमारे बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तरफ से एक विकास पुरुष करके उपाधि देने का हमारा मानस है। उसके लिए सब हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा कार्यक्रम करने के लिए आप सभी का सहयोग होना चाहिए और आप सभी ने शामिल होना चाहिए। उसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। सर ये कब आयोजित होने वाले हैं? 7 अगस्त को शाम को 7 बजे अपना सेंटर पॉइंट होटल रामदास पेट में होने वाला है, पहले शिव हॉल में। देखिए आपको मेरे प्रीवियस स्पीकर आदरणीय नगरारी जी ने और अठौले जी ने आपको बता दिया कि आप पर्पज़ है, क्यों हो रहा है। मेरा तो एक ही चीज़ मानना है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे, जब से ये नया गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट आई है, बहुत सारे लॉज ला दिए हैं, उसके कारण जो बिल्डर्स लोगों को भी तकलीफें हो रही हैं, जैसे रेरा है और बहुत सारे बिल्डरों के ऊपर तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, उसके कारण जो तकलीफें हो रही हैं उसका सब डिस्कस करना और उसके लिए मार्गदर्शन लेना ताकि गवर्नमेंट के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी हम फिक्स कर सकें। ये एक हमारा माध्यम है ताकि गवर्नमेंट हमारी जो प्रोजेक्ट इतने डिले करती है, इसका जो कॉस्ट ओवररन होता है, इसके लिए हम सोल्यूशन चाहते हैं। तो एक हमारा प्लेटफॉर्म है ताकि हमारा ये एक तरीके से मंथन हो सके और उसमें कुछ एक सोल्यूशन निकल सके ताकि हम गवर्नमेंट के ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।